अस्सलामुअलैकुम। तो आज के वीडियो में हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए दोबारा से टॉप 4 बेस्ट एंड एप्लीकेशंस का रिव्यू, जो कि आप लोगों को पसंद आता है हमेशा की तरह। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। तो इससे पहले मैं आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें एंड बेल को ज़ोर से दबाना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं और हैकिंग टिप्स ट्रिक्स लाते ही रहते हैं हर हफ्ते। तो मेरा टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे तो पहले नंबर जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है उसका नाम है शजाम। अब ये एप्लीकेशन जो है एप्पल वालों की तरफ से जो है स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, और मतलब ये एप्लीकेशन का रिव्यू है बस सिंपल सा। तो आप लोगों ने सिंपली एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और ये एप्लीकेशन काम ये करती है कि आप लोग मतलब कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं और आप लोग रास्ते में कोई भी म्यूज़िक सुन गया, कानों में पड़ गया, आप लोगों को कोई भी सॉन्ग पसंद आ गया, तो आप लोगों को एकदम से पता नहीं चलता कि वो कौन सा सॉन्ग है। तो आप लोग ये एप्लीकेशन का यूज़ करके पता कर सकते हैं कि वो कौन सा सॉन्ग है। थोड़ा सा ये एप्लीकेशन जो है उस सॉन्ग का जो है हल्का सा उसके म्यूज़िक को भी अगर ये एप्लीकेशन सुन ले तो ये आप लोगों को बता देती है कि ये कौन सा सॉन्ग है, उसका नाम, उसको जो है आप लोगों को यूट्यूब पर ले जाती है एप्लीकेशन। मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ने जो किस तरह से मतलब हमें बता दिया है। तो मैंने जो आप लोगों के सामने पिक्चर जो इसका सॉन्ग प्ले किया था, जुदा सॉन्ग है अरिजीत सिंह का, तो मैंने जो ये प्ले किया और ये एप्लीकेशन ने मुझे बता दिया कि कौन सा सॉन्ग है। आप लोग यहाँ से जो है वीडियोज़ में जाके वीडियो भी इसकी देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं इस लिफ्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है फोटो रूम। तो आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। आप लोग अर्निंग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप लोग फाइवर या फ्रीलांसर वगैरह हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि बैकग्राउंड रिमूव का कितना ज़्यादा वर्क होता है फाइवर वगैरह वेबसाइट्स पर। आप लोग सिंपली इस एप्लीकेशन में आना है एंड उसके बाद आप लोग ने अपनी फाइल जो है आप लोगों की पिक्चर है उसको चेक करना है कि हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में। आपने सिंपली यहाँ से जो है इसे इम्पोर्ट कर लेना है, फ्रॉम गैलरी से करना है एंड उसके बाद हम जो है ये वाली पिक्चर जो यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है इसको पूरा डिटेक्ट करा है एंड आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है इसने पूरी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यार मैंने मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा कि ये एप्लीकेशन कितने अच्छे तरीके से किस तरह से यार बैकग्राउंड रिमूव कर देती है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी मतलब कोई भी उंगली या कुछ भी कटा वटा नहीं है। तो आप लोग इसको जो है यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, इसका कटआउट भी निकाल सकते हैं एंड मतलब आप लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग इसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है उसका नाम है कैलेंडर जीरो। अब ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है और मैं इसको जो है यूज़ भी कर रहा हूँ काफ़ी वक्त से। तो ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों को जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मूवीज़, वेब सीरीज़ सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम है कैलेंडर जीरो। अब ये एप्लीकेशन का नाम जो कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे अभी कैलेंडर जीरो है, यहाँ कल को गेम हो गया, जीरो हो गया, मतलब अजीब अजीब नाम रखता है, मतलब नहीं क्या सोच के नाम रखता है। अभी 2 दिन पहले इस एप्लीकेशन का कोई और नाम था। इस मूवीज एप्लीकेशन जो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी लेकिन ये एप्लीकेशन सब में तबाही है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप लोगों को बिल्कुल भी बफरिंग देखने को नहीं मिलने वाली। अब मैं आप लोग यहाँ पे दिखा दूँ, मतलब बफरिंग वो होती है जो बार बार जो आप लोग कोई भी मूवी लगा लेते हैं, प्ले कर लेते हैं, तो उसमें जो आप लोगों को मतलब बार बार लोडिंग होती रहती है, बार बार लोडिंग होती रहती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो एक मूवी आप लोगों को प्ले करके दिखा दी है। तो इस एप्लीकेशन में ये होता है कि आप लोगों को जो बार बार जो लोडिंग हो रही होती है, कोई भी आप लोग वीडियो प्ले करते हैं, कोई भी वीडियो प्लेयर में, कोई भी मूवीज़ प्लेयर में या यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आप लोग वॉच करते हैं तो बार बार आप लोगों को जो यहाँ पे लोडिंग देखने को मिल रही होती है, लेकिन इस एप्लीकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग कोई भी वीडियो इसमें लगा लेते हैं तो उसमें जो आप लोगों को बार बार जो लोडिंग हो रही होती है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। आप लोगों को ऐसा फील होगा जैसे आप लोग जो बिल्कुल MX प्लेयर में वॉच कर रहे हैं। अब वो मेरे वाईफाई की स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं HD क्वालिटी में ये एप्लीकेशन जो है किस तरह से बिल्कुल बगैर रुके जो है काम कर रही है। तो इसमें आप लोग जो डाउनलोड भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप लोग सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बाद आप लोग सर्वर 1 या 2 आप लोगों ने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है आप लोगों की वीडियो जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद हम बनते हैं स्लिफ्ट की लास्ट एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है सर्च बाय इमेज। अब ये एप्लीकेशन करती है कि अगर आप लोगों को जो व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी कोई भी बंदा तंग कर रहा है तो आप लोग जो है उसकी फेक, अगर उसने फेक प्रोफाइल बनाई हुई किसी भी सेलिब्रिटी के नाम से, किसी सेलिब्रिटी या कोई भी आप लोग जिसको नहीं जानते हैं, कोई भी ऐसा शख्स है जिसको आप नहीं जानते, तो आप लोग उसकी पिक्चर यहाँ पर जो है इम्पोर्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये बंदा आखिर में है कौन। अब जैसे मैंने इनकी तो इनकी पिक्चर यहाँ पर इम्पोर्ट करिए, हम सिंपली सर्च करते हैं, उसके बाद जो एप्लीकेशन हमें सर्च करके बता दे कि ये किसकी पिक्चर है।
सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आने की सूरत में आप लोग जो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड वीडियो आप लोगों को तो पसंद आई है तो लाइक भी कर दो और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।